अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टीपीटी जी टीचिंग प्रैक्टिस जो कि लॉन्ग टर्म है, जो कि बीए थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स की है, स्टूडेंट्स का सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसमें आपकी फर्स्ट असाइनमेंट हो चुकी है स्कूल सिलेक्शन फॉर्म के हवाले से। तो जिन स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट्स अप्रूव नहीं हुए तो वो सुपरवाइज़र को मेल के थ्रू जो है वो अपने सब्जेक्ट्स जो हैं वो अप्रूव करवा लें, ठीक है। अप्रूवल ज़रूरी है, अगर आप अप्रूव नहीं करवाएंगे तो आपकी जो बाकी की असाइनमेंट्स हैं वो रिजेक्ट होंगी, ठीक है। तो इस असाइनमेंट में मैं आपको गाइड करूंगी कि आपने लेसन प्लान कैसे बनाना है। सबसे पहले जो भी आपको फॉर्मेट दिया गया है आपने उस फॉर्मेट को फॉलो करना है। इस बॉक्स में ये जो टेबल आपको शो हो रहा है इसमें आपने क्या करना है, आपके थ्री सब्जेक्ट्स होंगे, इसमें आपने यहाँ पे ग्रेड्स मेंशन करने हैं। यहाँ पे जो भी आपने सब्जेक्ट चूज किए हैं, जो आपके अप्रूव्ड सब्जेक्ट हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे, और जो भी आप लेसन प्लान का टॉपिक लेंगे वो आप यहाँ पे राइट करेंगे, ठीक है। इस बॉक्स को आपने मस्ट फिल करना है। उसके बाद जी आपने सब्जेक्ट आपका अपना लिखना है, ठीक है। आप टॉपिक लिखेंगे अपना, ग्रेड लेवल लिखेंगे एंड ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे, ठीक है। ये फॉर्मेट है, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन जो आपका इस असाइनमेंट में फॉर्मेट था उस हवा से लेके मैं आपको गाइड करती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जो है आप यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन करेंगे, जो भी आपने सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है, ठीक है। जिस भी सब्जेक्ट का आप बना रहे हैं वो सब्जेक्ट मेंशन करेंगे, ग्रेड मेंशन करेंगे, टेक्स्ट बुक मेंशन करेंगे कि आप कौन सी टेक्स्ट बुक ले रहे हैं, एज लाइक जैसे आप पंजाब टेक्स्ट बुक ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप टॉपिक लिखेंगे जो आपका टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद सब टॉपिक लिखेंगे, टाइम ड्यूरेशन लिखेंगे, 40 मिनट हो सकता है, 60 मिनट हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स, जनरल ऑब्जेक्टिव से ये मुराद है कि आपने ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं, जैसे आप नाउन का जो है वो प्रोनाउन का टॉपिक लेते हैं तो आप बताएंगे कि स्टूडेंट्स जो हैं वो जान सकेंगे कि नाउन क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, ठीक है। तो ये आपने जस्ट जनरल सी स्टेटमेंट लिखनी है। उसके बाद जो आपके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आपने इस तरह से बनाने हैं कि आपने ब्लूम टेक्सोनोमी को फॉलो करना है, ठीक है। ब्लूम टेक्सोनोमी में जैसे वर्ड है डिफाइन है जो कि आपके फर्स्ट लेवल पे आ जाता है नॉलेज पे, ठीक है। फिर डिफ्रेंशिएट है, ठीक है। इस तरह से जो है वो आपने एक्शन वर्ब को यूज करते हुए आपने इंस्ट्रक्शनल या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो सेट करने हैं, फॉर जो है ऑब्जेक्टिव सेट कर सकते हैं आप। उसके बाद आप बताएंगे रिसोर्सेज मटेरियल, यानी कि आप इसमें कौन, जैसे इसमें आपका जो है वो आइडियो वी जो है एवी एड्स हो सकता है, जिसमें ब्लैक बोर्ड लिख सकते हैं, बुक लिख सकते हैं, जो भी मटेरियल इसमें मतलब अवेलेबल होगा वो आप मटेरियल यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद प्रोसीजर में आपने डिटेल्स लिखना है, ठीक है। अगर आप डिटेल्स नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स डिटेक्ट होंगे। इंट्रोडक्शन लिखेंगे, इंट्रोडक्शन में आपने ये लिखना है कि आपने अपने लेसन को स्टार्ट कैसे किया, आपने स्टूडेंट को स्टूडेंट का इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए, ठीक है। उसके बाद जो है वो ये आपने डिटेल में लिखना है। उसके बाद टीचिंग प्रोसीजर में लिखना है, टीचिंग प्रोसीजर में ये होगा कि आप जो भी मेथड यूज करेंगे, पहले तो आपने लिखना है कि मैंने लेक्चर मेथड यूज किया, फिर आपने इसको डिस्क्राइब भी करना है, एक्सप्लेन भी करना है। उसके बाद स्टूडेंट पार्टिसिपेशन है, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन जो है वो आप कैसे जो है उनकी गेन करेंगे, जैसे आप उनसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, उनकी ग्रुप एक्टिविटी कंडक्ट कर सकते हैं, इस तरह से। फिर फॉर्मेटिव चेक है कि स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए आपने क्या किया, ठीक है। आप स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए आप उनसे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, क्वेश्चनिंग करेंगे, या फिर आप एक छोटा सा टेस्ट ले सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो क्लोयर होगा, यानी कि समराइज, जैसे जैसे जो है वो आपने अपने लेसन को
खत्म किया। होता है ना कि टीचर जो है जब लेक्चर दे रहा होता है तो एंड पे जब अपना लेक्चर खत्म करता है तो वो उसको समराइज भी कर देता है। तो आपने यहाँ पे लिखना है कि आपने अपने लेसन को कैसे समराइज किया। उसके बाद जो आपका असाइनमेंट और होमवर्क है, जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो आपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव डिजाइन किए हैं, उस हवाले से आपने होमवर्क असाइन करना है, वो भी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट लर्निंग है, इसमें ये है कि आपने इस प्रोसीजर में, यानी कि इसमें आपने डिटेल लिखनी है। आप अगर ऑब्जेक्टिव टेस्ट ले रहे हैं तो फिर आप यहाँ पे नीचे टेस्ट भी लिखेंगे, टेस्ट मेंशन करेंगे, एमसीक्यूज लिखेंगे, कोई से 5 MCQs आप नीचे मेंशन करेंगे या कोई से 10 MCQs। लेकिन अगर आप सब्जेक्टिव ले रहे हैं तो सब्जेक्टिव के आप क्वेश्चंस लिखेंगे, ठीक है, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो इस फॉर्मेट को आपने डिटेल से बनाना है। उसके बाद ये एग्जाम्पल्स हैं, ये आपको दी गई हैं। आपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बनाते वक्त जो है वो आपने ब्लूम टेक्सोनोमी को फॉलो करना है। ये ब्लूम टेक्सोनोमी को आप इस तरह से फॉलो करेंगे। आई होप कि अब आप के लिए आसानी होगी और आप इजीली इसको बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपना प्रोजेक्ट हैंडल करवाना चाहते हैं, टीचिंग प्रैक्टिस या फिर EDU 630, तो आप मुझसे फ्रीली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। थैंक यू। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो भी पूछ सकते हैं।